सुरक्षाकर्मी गुड़ विनिमय तीन लश्कर तैयबा आतंकवादी निहत होती। मंगलवार भोर समय जम्मू काश्मीर शोपियां जिलार मर्च मार्ग अंचल घटना घटी। जम्मू काश्मीर पुलिस पक्ष दिया सूचना अनुसार केतेक आतंकवादी मंझ मार्ग अंचल प्रवेश करने चेष्टा करते सूचना आगु मिलता है। यापर सुरक्षाकर्मी से धरवाप सर्च अपरेसन आरंभ करते अपरेसन चली समय आत्मगोपन कर आतंकवादी सुरक्षाकर्मी उपरको गुड़ चाला करते। यार जवाब सुरक्षाकर्मी पक्षर पलटा गुड़ चाला गुड़ विनिमय तीन लश्कर तैयबा आतंकवादी मृत्यु हो तबे जहाँ सूचना रही जो आतंकवादी निहत होती से जड़े आतंकी काश्मीर पंडित हत्यार सामिल होता है और जड़े नेपाली नागरिकों हत्यार सामिल थिबा वर्तमान खबर आसुच। सोपिया जिलार जदि देखा जो एनकाउंटर होती लश्कर तैयबार तीन आतंकवादी वर्तमान निहत होती वर्तमान देखा सका सका एनकाउंटर हो दुई काश्मीर पंडित हत्यार संपृक्त जहाँ खबर आसुच। जम्मू काश्मीर सोपियां जिले में वर्तमान एक्शन रे भारतीय सेना रही तीन आतंकी सफा होती एनकाउंटर रे जो तीन जन वर्तमान निहत होती से मधुर काश्मीर पंडित हत्या कथा कहतु नेपाली नागरिकों हत्या अभियोग नाँ रही तो बड़ सफलता कहीपर भारतीय सेना को काश्मीर में सुरक्षाकर्मी गुड़ में तीन आतंकवादी निपात होती। सोपियां मुंज मार्ग में एनकाउंटर हो बर्तमान देखिपे कि भाव में काश्मीर हलचल रही आतंकवादी को बड़ झटका कहीपर एवं भारतीय सेना को मध्य बड़ सफलता। अधिक आलोचना नया दिल्ली में आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ सारी गगन सुरक्षा कर्मी को भारतीय सेना को गोटे बड़ सफलता कहीपर देखो निश्चित भाव जीरो टेररिस्ट मिशन जो सेनार चली गोटे पुणि थे बड़ सफलता मिली कहुई पे कहीं संपूर्ण जो काश्मीर रू कि भाव टेररिस्ट को मूल उत्पाटन कर आपंकर मन थी जो लतीफ लोन जी रही टेररिस्ट दुई जन जो चिन्हित आइडेंटिफाए जो टेररिस्ट रही लतीफ लोन कथा कहतु कि उमर नजीर कथा कहतु जो मैंने कि अनंतनाग जो साल बहादुर फापा जी की नेपाल पंडित थे आउ जे जो रही लतीफ लोन जी की काश्मीर पंडित रही पुराना कृष्णा भट्ट जी काश्मीर पंडित रही हत्याकांड सामिल थे तो निश्चित भाव जो काश्मीर पंडित गोटे भयर वातावरण क्रिएट कराला काश्मीर पंडित को टार्गेट कराला विभिन्न समय काश्मीर पंडित मन करते आम ये असुरक्षित रही तो तार गोटे बदला नहीं कमलाकांत कहुपे सीधा साल आम कहीपर काश्मीर पंडित हत्यार बदला नहीं जाती सेना पक्ष सीधा साल काश्मीर पंडित सुरक्षा पर ये गोटे बड़ इनिशिएटिव कहुपे कहीं जो मैंने से सुरक्षा मन करते ये जो बर्तमान एनकाउंटर होती या द्वारा निश्चित भाव गोटे मनोबल स्ट्रंग हे समस्त टेररिस्ट मैंने भयभीत होते जो जो गुप्त भाव जो से रुचि निश्चित भाव से जगह छाड़ी जावा बाध्य है तो निश्चित भाव एक 47 राइफल कथा कहतु दुईट पिस्तल कथा कहतु जमी की एडीजीपी काश्मीर सूचना देखते अनंतनाग ये जो एनकाउंटर कराई जोटा की जगह रही जो जहां कहे मंच मार्ग एरिया तो निश्चित भाव पूरा संपूर्ण रूपे काश्मीर को कि भाव जोर टेररिस्ट कर मिशन मोड में सेना आगक बढ़ुची ये एनकाउंटर निश्चित भाव गोटे बड़ सफलता और जो मैंने या क्वेश्चन तैयारी करते पार्लियामेंट में डिबेट होता दु दिन पूर्व डिबेट करने चाहूंगे निश्चित से गोटे बड़ मेसेज देती सेना जो कौट ना कौटी आम के भी टेररिस्ट मान सहित सालिश कर खास कर जो भाई ढंग से 370 उठला पर काश्मीर में जो टेररिस्ट मिशन टेररिस्ट जीरो टेररिस्ट मिशन करने सेना जमी स्टेप नहीं क्षेत्र में गोटे बड़ पदक्षेप और सेना बदला नहीं कहुपे निहाते गगन जब देखा जो आतंकवादी निहत होती निकट में AK-47 पिस्तल जबत होती तो सेमकर उद्देश्य कौन थी कारण जितेबाला धारा 370 हटी तापर ठू आतंकवादी मैंने टी विचलित हो पड़ती जिते आक्शन को आसूस भारतीय सेना यह भाव छत्रभंग देखने जहाँ जबत होती बर्तमान जब AK-47 पिस्तल कथा उद्देश्य कौन थी किसी जनापड़े कि कौट ना कौटी 370 हटला जो रही टेररिस्ट मान रही साधारण नागरिकों को कौन ना कौटी टार्गेट कर काश्मीर पंडित मान को टार्गेट कर कहीं समाज को ही हटाई टेररिस्ट मान मिशन रही
କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟାବହ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟାକୁ ଫେଲୁଅର କରାଯିବ, ସେନା ପଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଇଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଫଳରେ ଆଉ ବି ଯୋଉ ମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କିଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଦଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ମେସେଜ ସେନା ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ କେହି ବି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫାଇନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ କୌଣସି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ସହିତ, କୌଣସି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିବା ମୋଡରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ସେଠି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକାଲ ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ଲିଡର କୁହନ୍ତୁ ବା ସେଠିକାର ରହୁଥିବା ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ C-70 ହଟିଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନାକୁ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେନା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଠି ସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେନା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଟାର୍ଗେଟରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବାତାବରଣ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ହୋଇଥିଲା ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି।